नमस्कार दोस्तों, द करियर वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज जो मैं बात करने जा रहा हूँ वो खंड शिक्षा अधिकारी की जो वैकेंसी आई है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से, उसके संबंध में। दोस्तों, मैं 10 प्रमुख बातें इसके संबंध में आपसे डिस्कस करूँगा, बात करूँगा, चूँकि बहुत सारे स्टूडेंट्स में जो भ्रांतियाँ हैं, संशय हैं, उसको दूर करना ज़रूरी है। तो मैं ये आपका समय ज़्यादा न लेते हुए एक एक करके इन पर डिस्कस करता हूँ। पहली बात तो यह परीक्षा दो चरणों में होगी, ये ध्यान देने वाली बात है। दो चरणों में होगी, प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा। इसका मतलब यह है कि आपको बिना इंटरव्यू दिए एक बेहतरीन जॉब का अवसर है, नौकरी मिलने जा रही है, और जिसका 4800 जो पे ग्रेड है, तो ये तो आपके लिए बहुत ही अच्छी बात है कि आपको इंटरव्यू नहीं देना पड़ेगा और दो परीक्षाओं के आधार पर आपको एक बेहतरीन नौकरी मिलने जा रही है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि ये परीक्षा इतनी आसान भी नहीं है। कारण इसका यह है कि खंड शिक्षा अधिकारी की जो परीक्षा होनी है, प्रारंभिक परीक्षा, वो एक कठिन स्क्रीनिंग टेस्ट की तरह होगी, क्योंकि इसमें बिल्कुल आयोग ने PCS और IAS की तरह ही 13 गुना अभ्यर्थी पास कराने का निर्णय लिया है। जी हाँ, यानी अगर 309 पोस्ट है तो लगभग 4000 से कुछ ज़्यादा अभ्यर्थी इसमें सफल किए जाएंगे मुख्य परीक्षा के लिए। तो बिल्कुल तैयार हो जाइए और कमर कस लीजिए, चूँकि आप इस परीक्षा के साथ टेट और CTET जैसी तैयारी को नहीं अपना सकते हैं, उससे थोड़ा आगे निकलने की ज़रूरत रहेगी। लेकिन घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आपका सकारात्मक रवैया और बेहतरीन प्लानिंग जो है आपको सफलता ज़रूर दिलाएगी। तो अगला जो पॉइंट है, मैं इसी के संबंध में बात करूँगा कि कैसे आप तैयारी करें, क्या योजना होनी चाहिए जो कि आपको सफलता दिला सके। तो परीक्षा की जो योजना है उसकी खासियत यह है कि PCS और लोअर PCS से मिलती जुलती ये परीक्षा है, और लोक सेवा आयोग प्रयागराज चूंकि इसका आयोजन कर रहा है, जिम्मेदारी इसकी लिया है, तो आप इसे समझ सकते हैं कि आपकी तैयारी टेट और CTET के स्तर तक ही नहीं रह जानी है, उससे आगे बढ़ना है और एक स्तर का इसमें सवाल आपसे पूछा जाएगा, तो इसके लिए आपको तैयार होना पड़ेगा। और इतना ही नहीं, प्रारंभिक परीक्षा जो करवा रहा है आयोग, इसकी वो 300 अंकों की होगी। और जो महत्वपूर्ण चौथी बात है इस परीक्षा की, खंड शिक्षा अधिकारी की चौथी बात यह है कि ये परीक्षा का जो एग्ज़ाम होगा प्री, वो 120 प्रश्नों का होगा, यानी थोड़ा आपको राहत मिल रही है PCS से। और इस परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग भी आपको, नेगेटिव मार्किंग का सामना करना पड़ेगा, उसकी मैं बात अभी करूँगा। ये जो परीक्षा है BEO की, प्रीलिम्स जो PCS प्री है उसकी तरह बिल्कुल होगी, लेकिन थोड़ी सी उससे अलग होगी, आसान होगी। और आसान इस तरीके से मैं कहना चाह रहा हूँ कि जहाँ PCS में 150 प्रश्न होते हैं, वहाँ आपको यहाँ पर 120 प्रश्नों को हल करना होगा। तो इसका आप ध्यान रखेंगे कि ये परीक्षा जो है बिल्कुल आपको थोड़ा स्तर ना तो बहुत नीचे है और ना ही बहुत ऊपर है, एक स्तरीय परीक्षा का आपको सामना करना पड़ेगा। उसके लिए आपको तैयार होना पड़ेगा सही प्लानिंग के साथ। पांचवी जो महत्वपूर्ण बात है इसकी, वो ये है कि इसका जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम होगा उसमें नेगेटिव मार्किंग का पैटर्न है, तो इसका ध्यान देना होगा कि अगर आप एक प्रश्न गलत करते हैं तो लगभग 1/3 अंक 1/3 अंक आपका काट लिया जाएगा। और हाल में ये चीज़ मैं इसलिए बता रहा हूँ कि कुछ बच्चों ने भी PCS की जो परीक्षा दी, जो जिन्होंने प्रीलिम्स दिया है, कुछ प्रतिभागियों ने उत्साह में आकर ज़्यादा प्रश्न किया है और ज़्यादा प्रश्न करने का नुकसान उन्होंने उठा लिया है। तो इसका जो उन्होंने नुकसान उठाया है वो थोड़ा सतर्क रहेंगे, इस परीक्षा में बिल्कुल ऐसा नहीं करेंगे। और सटीकता का इसमें ध्यान रखना बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो उस लिए भी आप देखेंगे कि जो प्रश्न आपको आ रहे हैं लगभग उतने प्रश्न ही आप सॉल्व करें। फिलहाल वो तो आप अपने सिद्ध कर लेंगे कि आपको क्या करना है। जो छठवीं इसकी बात है, जो महत्वपूर्ण बात है, उसको मैं बताऊंगा कि समय कितना आपको इसमें मिलेगा। तो आयोग ने इसमें आपको 2 घंटे का समय दिया है 120 प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए, और 2 घंटे का समय आयोग ने निश्चित किया है। साथ ही पाठ्यक्रम का जो इसमें मामला है कि आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा GS और बाकी चीज़ों को मिलाकर, तो मैं आपको बता दूं कि 120 प्रश्नों में आपको सामान्य विज्ञान, भारत का इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राजतंत्र, अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति, भारतीय कृषि, वाणिज्य एवं व्यापार, जनसंख्या, पारिस्थितिकी एवं नगरीकरण, भारतीय परिप्रेक्ष्य में इसको देखना पड़ेगा, विश्व भूगोल तथा भारत का भूगोल और प्राकृतिक संसाधन, और अधुनातन राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण घटनाक्रम पे भी आपको भी ध्यान देना पड़ेगा, इस पर अपनी पकड़ बनानी पड़ेगी, उससे भी प्रश्न पूछेगा आयोग। और जो और एक महत्वपूर्ण बात है, सामान्य बौद्धिक एवं तार्किक क्षमता पर भी प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे।
उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति, कृषि, उद्योग, व्यापार एवं रहन सहन और सामाजिक प्रथाओं के संबंध में भी आपसे प्रश्न इस पर पूछे जाएंगे। हाँ, टेट और सीटेट की जो मैंने अभी बात की थी, बता दूं कि हम, जाहिर सी बात है कि उससे पैटर्न मिलता जुलता थोड़ा आपको देखा जाए तो गणित में मिल जाएगा जो हाई स्कूल स्तर का रहेगा उसमें। बाकी चीज़ें तो आपको पीसीएस के स्तर की ही इसमें देखनी पड़ेगी लगभग लगभग। तो इसके लिए बिल्कुल आप तैयार रहिए, और जिन्होंने बीएड किया हुआ है उनसे बता दूं कि वो इसको टेट और सीटेट की तरह बिल्कुल ना लें। तो आपको एक एक चीज़ और बता दूं कि इसमें कौन कौन अप्लाई कर सकता है। अभी इस चीज़ को लेकर काफ़ी संशय था विद्यार्थियों में, तो उसको मैं बता दूं कि आयोग ने स्पष्ट कर दिया है कि इसमें जो बीएड किए हुए हैं केवल वही अप्लाई कर सकते हैं, साथ में वो भी कर सकते हैं जिन्होंने एलटी डिप्लोमा ले रखा है। इसके अलावा तो और आयोग ने किसी को अलाउ नहीं किया है। तो जो आपके आपको शंका है, इसके बारे में संशय है, वो आप दूर कर लीजिए कि आपके पास बीएड की डिग्री होनी चाहिए व फिर एलटी डिप्लोमा होना चाहिए। एक महत्वपूर्ण बात है, थोड़ा सा मैं डिस्कस करूँगा मुख्य परीक्षा के बारे में, चूँकि चलते चलते इस चीज़ के बारे में जानना ज़रूरी है। जो मुख्य परीक्षा की योजना है वो यह है कि इसमें सामान्य अध्ययन का एक प्रश्न पत्र होगा और सामान्य हिंदी एवं सामान्य निबंध का एक प्रश्न पत्र होगा। वो कैसे मैं आपको बता दे रहा हूँ, 400 अंकों की परीक्षा है जिसमें जीएस 200 अंकों का होगा और हिंदी और इसे मिलाकर भी 200 अंकों का होगा। तो हिंदी और इसे में अगर आप देखेंगे तो हिंदी 100 अंक की और निबंध भी 100 अंक का। इसमें 6 क्षेत्रों को बताया है आयोग ने, वो आप देख लीजिएगा आयोग की साइट पर। और दूसरा जीएस का जो पोर्शन है, जीएस में आपको 10 प्रश्न जो होंगे वो 125 शब्द के होंगे, 10-10 अंक के, तो ये महत्वपूर्ण है। दूसरा जो 10 प्रश्न पूछा जाएगा वो 50 शब्दों का होगा, सॉरी 50 शब्दों का और 6 अंकों का होगा। तीसरा 20 प्रश्न और इसमें पूछेगा आयोग जो 25 शब्दों का होगा और 2-2 अंक का होगा। तो ये ध्यान देने वाली बात है, इस पर गौर कीजिएगा। तैयारी आप अपनी प्लानिंग के अनुसार और सिलेबस के अनुसार ज़रूर उस पर आप फोकस करें। अच्छा, एक जो चीज़ आपको और मैं बताऊंगा कि ये मैं बता भी चुका हूँ, फिर से मैं रिपीट कर दूँगा आपको कि टेट और सीटेट से ये परीक्षा बिल्कुल अलग है। ये पीसीएस जैसी भी है और पीसीएस से अलग भी है। तो कैसे ये टेट और सीटेट से अलग है, समानता केवल इसमें इतनी है कि इसमें गणित और तर्क योग्यता शामिल है जो मैं बता चुका हूँ, लेकिन मुख्य परीक्षा में इसमें वर्णात्मक सब पूछे जाएंगे, सवाल पूछे जाएंगे, शामिल किए जाएंगे। और इस लिहाज से भी ये परीक्षा आप देखेंगे तो प्रारंभिक परीक्षा से भिन्न होती है। तो दोस्तों, आपको सटीक प्लानिंग के साथ, आपको एक बेहतरीन रणनीति के साथ, बेहतर रणनीति के साथ इस परीक्षा की तैयारी करनी होगी। इसका पेपर कब होगा ये तो अभी निश्चित नहीं है, लेकिन इसका पेपर जहाँ तक है मार्च अप्रैल जो भी है वो आयोग डिसाइड करेगा, आपको सोचना रहेगा। लेकिन आप अभी से तैयार हों और कमर कस लें, इसको बिल्कुल हल्के में ना लें, और ये आयोग का जो स्तर है उस स्तर को ध्यान में रखते हुए आप इस परीक्षा की तैयारी करें। और सभी शुभकामनाओं के साथ द करियर वर्ल्ड की तरफ से आपको इस परीक्षा की हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोग जो है इसकी तैयारी में लग जाइए, द करियर वर्ल्ड आपके साथ है। और बाकी जो भी इन्फॉर्मेशन होगी आगे हम आपसे शेयर करते रहेंगे। नमस्कार।